हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल लेट्स विजुअलाइज इंडिया सो आज हम लोग देखने वाले हैं पेट्रोकेमिकल्स बट मैं उससे पहले आप लोगों को कुछ चीजें बता देती हूँ कि मैंने इससे पहले दो पार्ट्स बनाया है जहाँ पर मैंने नायलॉन वगैरह के बारे में डिस्कस किया है जहाँ वो लोग आप लोग जाकर हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हो उनको देखो

सो so बेसिकली है क्या जब हम पेट्रोल का जो मेन जो पेट्रोलियम होता है जब हम उसको अलग अलग टेम्परेचर पर हीट करते हैं और उसकी रिफाइनरी करते हैं सो so अलग अलग टेम्परेचर पे क्या होता है प्रोडक्ट्स निकलते हैं सो so ये जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं इनमें ही क्या होता है एक सिंथेटिक फाइबर भी निकलता है सो so उसी को हम इसीलिए उसको हम पेट्रोकेमिकल बोलते हैं और उसके अंदर हम लोग कुछ केमिकल्स वगैरह यूज करते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। सो दिस इस व्हाट ओके गाइस? अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चों जैसे आप किसी चीज को डिस्क्राइब करते हो तो आप बताते हो कि उसके अंदर ये क्वालिटी है ये क्वालिटी है सो so सेम क्या होता है उसी तरीके से सिंथेटिक फाइबर की अपनी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि क्या है ये सिंथेटिक फाइबर है इसके लिए एक एग्जांपल है कि सपोज आपके सामने एक एप्पल रखा है और एक ऑरेंज रखा है लेकिन आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू बताना है कि वो है क्या आपकी आप ब्लाइंड फोल्डेड हो सो so, आप क्या करोगे आप लोगों को बताया जाएगा कि रेड कलर का तो रेड कलर में हमारे दिमाग में क्या इमेज आती है एप्पल की सो so, सेम होता है कि यहाँ पर भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सिंथेटिक फाइबर की सो so, सो जो हमारे दैनिक फाइबर्स है उसमें क्या है एक पॉपुलर ड्रेस मटीरियल हम लोग इस इससे बनाए जा सकते हैं ये जल्दी सूख जाते हैं ड्यूरेबल होते हैं लंबे टाइम तक चलते हैं कम एक्सपेंसिव होते हैं इजीली मिल जाते हैं और ये बनाने में भी इजी टू मेंटेन, मतलब आराम से इसको आप यूज़ कर सकते हो और लंबे टाइम तक क्या कर सकते हैं हम इनका जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं सो so, इसी तरीके से क्या है ये इनकी कुछ कैरे हैं कि इससे पॉपुलर ड्रेस मटेरियल बनाए जाते है, जाते हैं, हैं, ये इजीली सूख लंबे समय तक चलते हैं थोड़े कम एक्सपेंसिव हैं और इजीली मिल जाते हैं और हम इन्हें मेंटेन भी इजीली कर सकते हैं ना अब हम लोग बात करेंगे प्लास्टिक के बारे में प्लास्टिक क्या है कि ये एक पॉलीमर होता है जो कि इट इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर जिस तरीके से सिंथेटिक फाइबर होते हैं उसी तरीके से ये एक पॉलीमर है और ये भी क्या है अलग अलग पैटर्न से मिलके बनता है कैसे जैसे देखो ये एक लीनियर पैटर्न है लीनियर पैटर्न का मतलब क्या है बच्चों कि लीनियरली सारा डेटा जो है basically सारे जो भी इसके कंपाउंड्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं, वो एक साथ एक ही लाइन में हैं। और इसी तरीके से क्रॉस लिंक्ड कंपाउंड भी होता है और ये मोल्डेबल होती है प्लास्टिक ये तो आप लोग जानते हो कि हम प्लास्टिक को कोई भी शेप दे सकते हैं जैसे आप गर्म पानी अगर किसी प्लास्टिक कंटेनर में डालते हो तो वो अलग शेप ले लेता है उसी तरीके से जब हम एक हीट पर्टिकुलर हीट पर किसी प्लास्टिक को हीट करते हैं तो वो अलग शेप ले सकती है और उसको थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन के साथ छोड़ दो मतलब बाहर छोड़ दो तो वो हार्ड शेप ले लेती है सो so, ये क्या है मोल्डेबल होती है प्लास्टिक अब हम लोग बात करेंगे पॉलिस्ट प्लास्टिक जो है वो कैन बी रिसाइकल्ड रीयूज कलर्ड मेल्टेड रोल्ड इनटू शीट्स एंड मेड इनटू वायर्स अब हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं सी पॉलिथिन इससे पहले पॉलिथिन किसका एग्जांपल है पॉलिथिन इज आल्सो ए एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक पॉलिथिन किससे मिलके बनाया है पॉली प्लस इथिन से बनके बनाया मतलब इथिन की बहुत सारी यूनिट से मिलके क्या बनी है पॉलिथिन बनी है सो so, प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाता है जैसा मैंने आप लोगों को बताया अभी कि उसको वापस से हम लोग यूज में ले सकते हैं ऐसा नहीं है कि एक बार एक काम करके उसको फेंक दो हम उसको वापस से यूज कर सकते हैं तो दैट इज एंड उसको वापस से उसी शेप में जहां से वो ओरिजिन हुआ है उसका उसी शेप में लाकर हम उससे दूसरी शेप दे सकते हैं तो वो हो गया हमारा रिसाइकल्ड कलर्ड इनके अंदर डिफरेंट कलर्स इजीली अवेलेबल या हम बना सकते हैं मेल्टेड ये मेल्ट की जा सकती है एक हाइएस्ट टेम्परेचर पर उसके बाद रोल्ड इनटू शीट्स इसी तरीके की प्लास्टिक को हम लोग शीट्स के अंदर भी रोल्ड कर सकते हैं और ये इनसे हम वायर्स भी बना सकते हैं बिकॉज हम इसको कोई भी शेप दे सकते हैं तो इससे हम लोग क्या बना सकते हैं इससे हम लोग वायर भी बना सकते हैं अब मैं बात करूंगी थर्मो प्लास्टिक, थर्मो प्लास्टिक क्या है जब एक अच्छी खासी प्लास्टिक को क्रश कर दिया जाता है वो कहलाती है हमारी थर्मो प्लास्टिक जब थर्मो मीन्स टेम्परेचर के रिलेटेड है थर्मल से रिलेटेड है सो so बेसिकली जब हम टेम्परेचर है हाई टेम्परेचर पे उसको हीट करते हैं तो वो जो बॉटल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है क्रश्ड बॉटल या फिर अपना शेप चेंज कर लेती है वो किसकी वजह से होता है ड्यू टू थर्मो थर्म टेम्परेचर की वजह से होता है और उसको हम प्लास्टिक बोलते हैं अब एग्जाम्पल्स क्या हैं थर्मोप्लास्टिक्स के हमारे है क्लोराइड एंड पॉलीथीन ये सारे के सारे ऐसे हैं जब हम इनको थोड़ा हाई टेम्परेचर पे हीट आउट करते हैं तो ये अपना जो है वो मोल्ट चेंज कर लेते हैं एंड दिस इज पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक और कहां, -कहां यूज आती है थर्मोप्लास्टिक से हम टॉयज बना सकते हैं कॉम्स बना सकते हैं और अलग अलग कंटेनर्स बनाए जाते हैं कंटेनर्स बेसिकली स्टोरेज के काम आते हैं इनमें हम लोग सूखा चीज जो भी है वो रख सकते हैं और एक लंबे टाइम तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं क्योंकि एयर टाइट कंटेनर्स भी हमें इसमें इजीली अवेलेबल हो जाते हैं सो बेसिकली थर्मोप्लास्टिक जो है वो अलग अलग जगहों पर हमारे काम आती है थर्मो सेटिंग प्लास्टिक ये क्या है सो so, क्या होता है देयर आर सम प्लास्टिक्स विच मे वेन मोल्डेड वंस के नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग अब एक बार मोल्ड होने के बाद आप वापस से उसको हीट करोगे तो वो सॉफ्ट नहीं होगी ऐसी चीजों को हम लोग थर्मो सेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं क्योंकि इनकी सेटिंग वापस से नहीं कर सकते सो so, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे थर्मो सेटिंग प्लास्टिक बोलेंगे जिस तरह अभी ये पॉलीविनाइल में से कुछ सारे ऐसे पाइप्स होते हैं जो हीट बहुत एक्सट्रीम हीट की पे भी आराम से टिके रहते हैं uh, हम लोग वाटर सप्लाई वगैरह के लिए इन पाइप्स का यूज भी करते हैं सो ये हमारा थर्मो प्लास्टिक हो सकता है सो so, बेसिकली ये इजीली हीट को कर सकते हैं तो ये चीजें इसके अंदर कॉमन होती हैं, और एक बात मतलब ये है भी है कि देखो जो हमारे यहाँ पर एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर और एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर होता है उसके अलावा उसके बाद भी प्लास्टिक जो है वो एज इट इज रहता है ऐसा आप लोगों ने देखा होगा मिशन मंगल में आ, उन्होंने एक टुकड़ा बनाया था प्लास्टिक का आ, जिस जो क्या था वो यही शो कर रहा था कि एक्सट्रीम कोल्ड एक्सट्रीम हॉट वेदर के बाद भी यह प्लास्टिक एज जैसी है है। वो वैसी ही रहती सो ऑफ so, क्या है बैकलाइट एंड मेलमाइन ये दोनों एग्जाम्पल है किसके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के सो so, अब हम लोग बात करेंगे बैकलाइट के बारे में बैकलाइट क्या होता है ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वोअर कंडक्टर मीन वर्ल्ड ये जो है इसमें इजीली जो है वो हीट uh, और इलेक्ट्रिसिटी का फर्क नहीं पड़ता सो ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इसलिए जो हमारे स्विचेस होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं और इट इज यूज फॉर मेकिंग हैंडल्स ऑल्सो ये स्विचेस हैंडल्स वगैरह जो हमारे होते हैं फाइप एन वगैरह के उनके लिए काम में आने लगे हैं बेसिकली इट गिवस अ गुड डिजाइन टू अ प्रोडक्ट मेलामाइन क्या होता है मेलामाइन से हम लोग जो बनाते हैं वो अलग अलग कंटेनर्स या सामान बनाते हैं जैसे इट्स अ वर्सेटाइल मटेरियल ये रेजिस्ट कर सकता है फायर को सो इट कैन टॉलररेट हीट देन प्लास्टिक सो अलग-अलग जगह जैसे टाइल्स फ्लोर्स वगैरह पे या फिर हमारे टिफिन बॉक्सेस वगैरह पे और कपड़ों पर हम मेलामाइन का यूज करते हैं आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी अब हम लोगों का मेलाइंदर खत्म हो चुका है अब केवल हम लोगों का एक टॉपिक बचा है वो हम लोग क्लास वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे और वो भी ओवर कर लेंगे और फिर आप लोगों का ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा अब अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आप लोगों को क्वेश्चंस प्रोवाइड करें तो प्लीज आप लोग कमेंट कमें, कमें, कमें में कमेंट सेक्शन में कमेंट की कीजिएगा उसके बाद में वो आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे सो थैंस गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो इफ यू लाइक प्लीज हिट द लाइक बटन एंड इफ यू लाइक प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि आप लोग को हम लोग का वीडियो नोटिफिकेशन uh, मिल जाए और आप लोग फॉर्स सबसे पहले उसे देख पाए थैंक यू गाइज बाय